ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने प्रीवियस क्लास में ये देखा था कि हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ का डिस्कशन किया था और न्यूटन्स थर्ड लॉ के डिफरेंट जो एग्जांपल थे हमारे डे टू डे लाइफ में उनका डिस्कशन किया था। और हमने आपको ये डिस्कस किया कि न्यूटन्स थर्ड लॉ नेचर ऑफ द फोर्स को बताता है, और साथ साथ हमने आपको ये बताया कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी फोर्स ऐसा नहीं है जो अकेला हो, मींस फोर्सेज हमेशा पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। अब पहला क्वेश्चन यही माइंड में आपके अराइज हो रहा होगा, ये कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कांस्टेंट रहना, कांस्टेंट का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज ना होना। तो जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की जो टोटल वैल्यू है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती तो हम कहते हैं वो क्वांटिटी कंजर्व है या कांस्टेंट है। होल ऑफ द फिजिक्स में लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी है, चार्ज है, एंगुलर मोमेंटम है, ये डिफरेंट क्वांटिटी हैं जो कि कुछ कंडीशंस के साथ कंजर्व रहती हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के विषय में। आगे और भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन होते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपका ये और भी लॉज हैं उनके विषय में हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो यहाँ हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब भी किसी प्रोसेस में, जब भी किसी फिनामिना में किसी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू किसी फिनामिना के पहले जो रहे बाद में भी उतनी ही रहे तो हम कहते हैं वो कांस्टेंट है या कंजर्व है। क्या है? कांस्टेंट है या कंजर्व है। तो अब हम देखेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। चलो हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम का कंजर्वेशन मीन्स कंजूसी की कहानी, मीन्स कंजूसी का मतलब खर्च न करना, उसको कांस्टेंट बनाए रखना, ठीक है ना। चलो देखिए स्टेटमेंट इसका क्या है, स्टेटमेंट इसका क्या है। इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व। इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट और कंजर्व। मतलब क्या हुआ? अब यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स आए हैं, एक आया है नेट फोर्स। नेट का मतलब होता है कि उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं सबको आप विद डायरेक्शन ऐड कर लो तो जितना आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स या टोटल फोर्स कहलाएगा। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब हो गया जो उस बॉडी पर बाहर से अप्लाई किया जा रहा हो, दूसरी बॉडी के द्वारा अप्लाई किया जा रहा हो। और यहाँ पर कांस्टेंट या कंजर्व का मतलब होता है टाइम के साथ चेंज ना होना। एक आया है सिस्टम। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है जिस बॉडी की आप स्टडी कर रहे हो, चाहे वो वन बॉडी हो या मोर देन वन बॉडी हो, जिस बॉडी की आप स्टडी कर रहे हो, जिस ऑब्जेक्ट की आप स्टडी कर रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को हम सिस्टम बोलते हैं, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। और उस बॉडी को छोड़ करके बाकी जितनी चीज़ें होती हैं वो उसकी सराउंडिंग कहलाती हैं। तो फिर से बता दूं, नेट फोर्स का मतलब ये होता है कि उस बॉडी पर जितने भी फोर्सेज लग रहे हैं उन सब का टोटल जो है वो नेट कहलाता है। और एक्सटर्नल का मतलब हो गया कि उस बॉडी पर बाहर की बॉडी के द्वारा फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। सिस्टम का मतलब होता है वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जिसके आप स्टडी कर रहे हो, जो अंडर कंसिडरेशन ऑफ स्टडी है, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रहा हो, अगर किसी सिस्टम पर बाहर से कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रहा हो तो उस सिस्टम का
टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट होता है। अगर किसी सिस्टम पर या किसी बॉडी पर या किसी ऑब्जेक्ट पर बाहर से नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, मींस कोई अनबैलेंस्ड फोर्स ना एक्ट कर रहे हो, तो उस केस में उस बॉडी का टोटल जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है या कांस्टेंट रहता है। तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे, इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट आर कंजर्व। इन द एब्सेंस ऑफ नेट एक्सटर्नल फोर्स द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट और कंजर्व, ये इसका स्टेटमेंट हो गया। अब देखिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अब प्रूफ की हेडिंग है, यहाँ पर हमने देखे ये कोई एक बॉडी ए है, इसका मास एम ए है, ये कोई बॉडी है इसका मास एम ए है, ये यूए वेलोसिटी से जा रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यूए है, यूए वेलोसिटी से जा रही है, ये कोई एक बॉडी है इसका मास एम बी है, ये यूबी वेलोसिटी से जा रही है, ये दो बॉडी हैं ये राइट डायरेक्शन में यूए और यूबी इनिशियल वेलोसिटी से जा रही हैं, दोनों के मास एम ए और एम बी हैं। अभी इन दोनों में आपस में कोलिजन नहीं हुआ है, तो बेसिक मतलब होता है बिफोर कोलिजन, बेसिक मतलब होता है बिफोर कोलिजन, कोलिजन के पहले इन दोनों की ये इस कंडीशन है। अब क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद दोनों बॉडी एक दूसरे से टकरा गई, दोनों बॉडी एक दूसरे को कोलाइड कर गई, दोनों का कोलिजन हो गया। अब जब ए बॉडी बी से कोलिजन करेगी और बी ए से टकराएगी, तो ए बी को प्रेस करेगी, बी ए को प्रेस करेगी, इनकी एनर्जी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, इनके मोमेंटम आपस में रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे, और ये बॉडी थोड़ा यहाँ पर डिफॉर्म हो जाएगी। बॉडी ए बी पर फोर्स अप्लाई करेगी, बी बॉडी ए पर अप्लाई करेगी, और एक लार्ज फोर्स वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए अप्लाई होगा। मींस जब दोनों बॉडी आपस में कोलिजन कर जाएंगी, मान लीजिए रोड पर दो ट्रक का एक्सीडेंट हो रहा है, तो जिस समय एक्सीडेंट होता है उस समय एक लार्ज फोर्स पहली ट्रक दूसरे पे अप्लाई करती है, दूसरी ट्रक पहले पे अप्लाई करती है, तो दोनों बॉडी का कोलिजन हो गया। कोलिजन होने पर ये ए बॉडी बी पर फोर्स अप्लाई करेगी, वो हो जाएगा एफ बी ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, और बी बॉडी ए पर फोर्स अप्लाई करेगी, वो हो जाएगा एफ ए बी, वो हो जाएगा एफ ए बी। कितना टाइम लगा कोलिजन में, कोलिजन वेरी स्मॉल टाइम के लिए हुआ, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के, किसके लिए, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए, किसके लिए, डेल्टा टी टाइम इंटरवल के लिए कोलिजन इसका हो रहा है। अब कोलिजन के बाद क्या हुआ, कोलिजन के समय इनकी एनर्जी आपस में चेंज इंटरचेंज होगी, मीन्स रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनके इनका मोमेंटम आपस में चेंज होगा, मोमेंटम का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, बॉडी थोड़ी यहाँ डिफॉर्म कर जाएगी, मीन्स उसमें कुछ डिफॉर्मेशन भी होगा, इनकी पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। अब इसके बाद ये बॉडी देखिए वी ए वेलोसिटी से जाने लगी, ए की फाइनल वेलोसिटी वी ए हो गई और बी की फाइनल वेलोसिटी वी बी हो गई, ये वी बी वेलोसिटी से जाने लगी, ये वी ए वेलोसिटी से जाने लगी, ये आपकी वी बी वेलोसिटी से जाने लगी, ये वी ए वेलोसिटी से जाने लगी, फाइनल वेलोसिटी दोनों की ये हो गई, दोनों राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। ये है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये है आफ्टर द कोलिजन, ये है आफ्टर द कोलिजन, ये है एट द टाइम ऑफ कोलिजन, ये है बिफोर द कोलिजन। अब बिफोर द कोलिजन ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम अगर आप निकालेंगे, ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे, मोमेंटम होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ये हम ए यूए हो जाएगा, और बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे तो हो जाएगा यम मास इनटू वेलोसिटी, तो यम बी इनटू यूडी यूबी हो जाएगा। टोटल इनिशियल मोमेंटम निकालेंगे दोनों बॉडी का कोलिजन के पहले, तो हो जाएगा ए बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, यहाँ आई का मतलब इनिशियल है, इनिशियल मतलब कोलिजन के पहले, और बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी हो जाएगा। अब चलो कोलिजन के बाद देखते हैं, कोलिजन के बाद ए बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी एम ए इनटू बी ए, बी बॉडी का फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एफ बी इक्वल टू एम बी इनटू बी बी, क्या हो जाएगा, एम बी इनटू बी बी। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा, एफ बी टू टी, टी मतलब टोटल, ये हो जाएगा एफ फाइनल पी फाइनल ए का प्लस पी फाइनल बी का,
पी फाइनल ए का प्लस पी फाइनल बी का, तो फाइनल टोटल मोमेंटम हो जाएगा यम ए बी ए प्लस यम बी बी बी, यम ए बी ए प्लस यम बी बी बी। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि इनिशियल जो टोटल मोमेंटम था दोनों बॉडी का वही फाइनल मोमेंटम होगा दोनों का। इनिशियल मोमेंटम जो टोटल था वही फाइनल मोमेंटम होगा, कब, जब नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, बाहर से कोई फोर्स इन दोनों बॉडी पर ना अप्लाई किया जाए। इनमें आपस में जो फोर्स लगेंगे वो इंटरनल फोर्स होंगे, इनमें आपस में जो फोर्स लग रहे हैं वो इंटरनल फोर्स होंगे, इस पर बाहर से कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम फाइनल टोटल मोमेंटम के इक्वल होगा। और इनिशियल मोमेंटम क्या है, यम ए यू ए प्लस यम बी यू बी, फाइनल मोमेंटम क्या है, यम ए वी ए प्लस यम बी वी बी। ये हमें प्रूफ करना है। चलो हम देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। चेंज इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी ए, ए के बॉडी में मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, बॉडी ए का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, देखिए डेल्टा पी ए, डेल्टा पी ए का मतलब होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए, ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, मतलब फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद माइनस कोलिजन के पहले इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा यम ए वी ए माइनस यम यम ए वी ए माइनस यम ए यू ए, मास ऑफ ए इंटू फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ए का क्या हो जाएगा, डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा यम ए वी ए माइनस यम ए यू ए अपॉन डेल्टा टी, यम ए कॉमन ले लेंगे तो वी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और ये फोर्स होता है, ये एक्सलरेशन है ए बॉडी का, ये मास है ए बॉडी का, तो ये ए बॉडी पर एक्ट करने वाला फोर्स आ जाएगा। देखिए ये जो है एक्सलरेशन है बॉडी का, ये बॉडी ए का एक्सलरेशन है, ये मास है, तो ये बॉडी ए पर एक्ट करने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा, ये ए बॉडी पर एक्ट करने वाले फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अब हम बॉडी बी के लिए बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी, डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, फाइनल मोमेंटम कोलिजन के बाद माइनस कोलिजन के पहले इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा डेल्टा पी बी इक्वल टू यम बी इंटू बी बी, मास ऑफ बी इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास ऑफ बी इंटू इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, ये फाइनल मोमेंटम है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अब बी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू यम बी 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 माइनस यम बी यू बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, यम बी कॉमन ले लेंगे तो बी बी माइनस यू बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। ये एक्सलेशन है बी बॉडी का, ये मास है, तो ये बी बॉडी पर एक्ट करने वाला फोर्स हो जाएगा। न्यूटन सेकंड लॉ से, बाई न्यूटन सेकंड लॉ, ये आपका जो यम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी है, ये आपका आ जाएगा फोर्स ऑन बॉडी ए, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए बाई बॉडी बी, और ये यम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है, फोर्स ऑन बी बाई बॉडी ए, फोर्स ऑन बी बाई बॉडी ए, ये हो जाएगा यम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा ए बॉडी पर फोर्स जो बी बॉडी ने अप्लाई किया, ये हो जाएगा बी बॉडी पर फोर्स जो ए बॉडी ने अप्लाई किया। अब हम देखेंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, ये तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग था, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जब भी दो बॉडी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं तो फोर्स इक्वल और अपोजिट होते हैं। इसका मतलब हो गया कि बाई न्यूटन थर्ड लॉ एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए, इसका मतलब क्या हुआ, जितना फोर्स ए पर बी अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स बी ए पर अप्लाई करेगी, बस अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक दूसरे के माइनस डायरेक्शन में होंगे। इसका मतलब ये गया कि फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल और अपोजिट होते हैं। बाय न्यूटन थर्ड लॉ हम देखेंगे, देखिए बाय न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है कि जितना फोर्स बॉडी ए पर अप्लाई होगा बी के द्वारा, सेम उतना ही फोर्स और अपोजिट डायरेक्शन में बी पर अप्लाई होगा ए के द्वारा। यहाँ माइनस साइन ये बताता है कि दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अब ये फोर्स क्या है, ए पर एक्ट करने वाला फोर्स, ये क्या है, बी पर एक्ट करने वाला फोर्स है। अब ए पर एक्ट करने वाला फोर्स कितना है, देखिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये है यम ए
वी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी, ये है यम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी, तो हो गया यम ए वी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू माइनस बी पर एक्ट करने वाला फोर्स कितना है, ये है यफ बी ए इक्वल टू यम बी 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 माइनस यू बी अपॉन डेल्टा टी, बी बी माइनस यू बी अपॉन डेल्टा टी, ये है माइनस यम बी 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 माइनस यू बी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका क्या बचेगा, ये हो जाएगा यम ए इंटू वी ए, यम ए इंटू वी ए माइनस यम ए इंटू यू ए इक्वल टू, यहाँ माइनस है ये हो जाएगा यम बी इंटू वी बी, और माइनस प्लस हो जाएगा ये हो जाएगा यम बी और प्लस यम बी इंटू यू बी। अब हम क्या करें, इसको इधर ट्रांसफर कर दें तो यम बी यू बी और यम ए यू ए एक साथ आ जाएंगे, ये हो जाएगा यम ए यू ए प्लस यम बी यू बी, और इसको हम इस साइड में ट्रांसफर कर लें ये हो जाएगा यम ए वी ए और प्लस ये हो जाएगा यम बी वी बी, क्या हो जाएगा यम बी यम ए वी ए प्लस यम बी वी बी। हम क्या करें कि इसको दोनों को एक साथ में कर लेंगे, तो आपको हो जाएगा यम ए वी ए, देखिए यम ए वी ए प्लस यम बी वी बी इक्वल टू हो जाएगा यम ए वी ए प्लस यम बी वी बी इक्वल टू हो जाएगा यम ए यू ए प्लस यम बी यू बी। ये क्या है, फर्स्ट बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, ये क्या है बी बॉडी का इनिशियल मोमेंटम है, ये क्या है टोटल इनिशियल मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, ये क्या है ए बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, ये क्या है बी बॉडी का मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है, इसका और ये क्या है टोटल मोमेंटम है कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का, इसका मतलब कोलिजन के पहले दोनों बॉडी का जितना टोटल मोमेंटम था कोलिजन के बाद भी दोनों का मोमेंटम उतना ही है, मीन्स इनिशियल जो टोटल मोमेंटम था वही फाइनल टोटल मोमेंटम है, इनिशियल जो टोटल मोमेंटम था वही फाइनल टोटल मोमेंटम है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इस चीज को प्रूव करने में हमने देखिए थ्री कॉन्सेप्ट का यूज किया है, एक पहले हमने माना है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मतलब जिन बॉडी के आप स्टडी कर रहे हो उन पर बाहर से कहीं कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, पहली बात ये हमने कंसिडर किया है। दूसरी बात हमने न्यूटन सेकंड लॉ का यूज किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स के इक्वल हमने राइट किया है, और हमने यफ ए भी राइट किया है यम ए इंटू वी ए माइनस यू ए अपॉन डेल्टा टी, और यफ बी इक्वल टू हमने राइट किया है यम बी इंटू वी बी माइनस यू बी अपॉन डेल्टा टी। अगला न्यूटन थर्ड लॉ यूज किया है यफ ए बी इक्वल टू माइनस यफ बी ए, इसका मतलब ये हो गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है या मोमेंटम है वो न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है वो न्यूटन थर्ड लॉ पर बेस्ड है, तो न्यूटन थर्ड लॉ को यूज करके हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूव कर सकते हैं। तो ये रहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब एक बात और बता दें, जब आपको बताया था कि क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंड इन अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, मीन जब भी कोई बॉडी लीनियर या ट्रांसलेशनल मोशन में होती है तो उसके अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको लीनियर मोमेंटम कहते हैं, क्या कहते हैं लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ट्रांसलेशनल का मोशन वो तो हो गया जब कोई बॉडी पूरी बॉडी मूव करती है उसको ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, लेकिन अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में हो, जैसे ये रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है आपका, ये रोटेशनल मोशन है आपका, ये रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में होती है तो उसमें जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, क्या कहते हैं एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहां पर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम प्रूव किया, ठीक ना, लीनियर मोमेंटम को पी से डिनोट करते हैं और ये है मास इनटू वेलोसिटी के इक्वल। तो आपको याद रखना है कि जब भी किसी सिस्टम पर या ऑब्जेक्ट पर या बॉडी पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट कर रहा हो या अनबैलेंस्ड फोर्स ना एक्ट कर रहा हो तो उस बॉडी का टोटल लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट या कंजर्व होता है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
अब इस कंजर्वेशन पर कई ऐसी एग्जांपल हैं आपके डेली लाइफ के जो इस पर बेस्ड होते हैं, कई ऐसे एग्जांपल हैं डेली लाइफ के जो इस पर बेस्ड है। हम देखते हैं कि कौन कौन से एग्जांपल जो है वो डेली लाइफ के इस पर बेस्ड हैं। एक तो अभी हमने बताया कि रॉकेट जब फ्लाइट करता है तो वो ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। एक जब गन से हम बुलेट को फायर करते हैं तो गन पीछे की ओर रिकॉइल करती है, ये ला ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर बेस्ड है। तो हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये आपको देखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम या मोमेंटम पर कौन कौन से एग्जांपल बेस्ड हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चलो हम दो एग्जांपल का डिस्कशन करते हैं। एग्जांपल बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक है हमारा रॉकेट का एग्जांपल, एक है फायरिंग ऑफ बुलेट फ्रॉम गन, गन से जब हम बुलेट को फायर करते हैं। तो सबसे पहले हम रॉकेट की बात करते हैं। देखो ये एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट है। रॉकेट में जब इसके अंदर जो फ्यूल भरा होता है वो जब बर्न होता है तो तेजी से ये गैस पीछे निकलती है। जब ये गैस तेजी से इसके बैक साइड में एस्केप करती है तो ये रॉकेट पर एक फोर्स अप्लाई करती है और उस फोर्स की वजह से रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है। वो फोर्स रॉकेट पर है, गैस के द्वारा अप्लाई किया गया है, इसको हम रिएक्शन मान लें। क्या मान लें? रिएक्शन मान लें। अब ये रॉकेट भी इन गैस पर फोर्स अप्लाई करेगा तो गैस पर फोर्स हो जाएगा, रॉकेट के द्वारा ये एक्शन हो जाएगा। मींस जब तेजी से इसमें से गैस बर्न होकर के निकलेगी तो रॉकेट इस गैस पर फोर्स अप्लाई करेगा, वो आपका हो गया एक्शन। मींस गैस पर फोर्स रॉकेट के द्वारा और ये गैस जो है इस रॉकेट को पुश करेगी, तो रॉकेट पर फोर्स गैस के द्वारा ये रिएक्शन हो गया। इस फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा, इस फोर्स की वजह से गैस बैक साइड में एस्केप करेगी, पीछे की ओर निकलेगी और लगातार रॉकेट का मास कम होता जाएगा और इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, ये ऊपर जाएगा। अब जब फायर करने के पहले रॉकेट के लॉन्च करने पहले रॉकेट का मोमेंटम जीरो था और गैस का भी मोमेंटम जीरो था, टोटल मोमेंटम जीरो था। तो जब लॉन्च होने के बाद भी रॉकेट का मोमेंटम प्लस गैस का मोमेंटम जीरो होना चाहिए, तो रॉकेट का मोमेंटम हो जाएगा माइनस टाइम्स गैस का मोमेंटम हो जाएगा। माइनस साइन ये बताता है कि जिधर गैस निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट चलेगा। गैस अगर नीचे की ओर चल रही तो रॉकेट ऊपर की ओर चलेगा। यहां माइनस साइन ये शो करता है कि रॉकेट और गैस के मोमेंटम दोनों के सेम होंगे लेकिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। क्या होंगे? अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो नेगेटिव साइन ये शो करता है दैट द रॉकेट विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ गैस, जिस डायरेक्शन में गैस निकलेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट मूव करेगा। तो रॉकेट का प्रोपल्शन या रॉकेट की फ्लाइट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पर। अब आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल है रिकॉइलिंग ऑफ द गन। जब भी हम गन से किसी बुलेट को फायर करते हैं तो गन बड़ी तेजी से पीछे की ओर भागती है, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग ऑफ द गन। क्या बोलते हैं? रिकॉइलिंग ऑफ द गन। तो देखिए ये कोई एक गन है और ये एक बुलेट है। जब हमने बुलेट को फायर नहीं किया था तो गन और बुलेट और गन दोनों का मोमेंटम क्या था? जीरो था। तो बिफोर फायरिंग के गन भी रेस्ट में थी, बुलेट में भी रेस्ट में थे, तो दोनों का टोटल मोमेंटम जीरो था। अब जब हम फायरिंग किए तो बुलेट वीवी वेलोसिटी से निकल रही और इसका मास एम भी है, गन पीछे की ओर वीजी वेलोसिटी से जा रही, इसका मास एम जी है। तो फायरिंग करने के बाद टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम दोनों का क्या था? जीरो, क्योंकि बुलेट भी रेस्ट में थी, गन भी रेस्ट में थी, जीरो थी। फाइनल मोमेंटम ये गन का हो जाएगा, गन का मास इनटू गन की वेलोसिटी प्लस बुलेट का मास इनटू बुलेट की वेलोसिटी। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे तो vg आ जाएगा माइनस mb / mg / vb आ जाएगा। क्या आ जाएगा?
वी वी आ जाएगा। ये वी जी क्या है, गन की रिकॉयल वेलोसिटी है। वी जी क्या है, गन की रिकॉयल वेलोसिटी है। एम बी क्या है, बुलेट का मास है। एम जी क्या है, गन का मास है। वी बी क्या है, बुलेट की वेलोसिटी है। यहाँ माइनस साइन ये शो करता है कि जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन रिकॉयल करेगी। देखिए बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही तो गन इस डायरेक्शन में रिकॉयल कर रही। जिस डायरेक्शन में बुलेट जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन जो है वो रिकॉयल करेगी। माइनस साइन यहाँ ये शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो गन की वेलोसिटी है, गन की जो वेलोसिटी है वो इसके गन के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। देखिए गन का मास ज़्यादा होगा तो गन की वेलोसिटी कम होगी, गन का मास कम होगा तो गन की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब गन का मास बुलेट से ज़्यादा होता है तो इसलिए गन की वेलोसिटी कम होती है, और बुलेट का मास कम होता है इसलिए बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होती है। जबकि मोमेंटम दोनों का सेम होता है, मोमेंटम दोनों का सेम होता है लेकिन वेलोसिटी दोनों की अलग अलग होती है, वो उनके मास पर डिपेंड करती है। तो गन का मास ज़्यादा होने से ये पीछे की तरफ कम स्पीड से चलेगी, जबकि बुलेट का मास कम होने से वो बहुत वेरी फास्ट स्पीड से मूव करेगी। ओके तो ये है, इसको बोलते हैं रिकॉइलिंग वेलोसिटी ऑफ गन। यहाँ से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उस पर बेस्ड डेली लाइफ के एग्जांपल। एग्जांपल में आपने देखा कि रिकॉइलिंग ऑफ द गन आपने देख लिया, प्रोपल्शन ऑफ द रॉकेट देख लिया, आपने रॉकेट कब की फ्लाइट देख लिया। इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। जहाँ ना समझ में आए वो आप फिर से जाकर के वीडियो लेक्चर सुनेंगे, और जो नोट आप बनाएंगे वीडियो लेक्चर को बार बार सुन करके और अपने बुक के हेल्प से बनाएंगे तो आपके एग्जाम के लिए ज़्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये जो थ्योरी है, जो वीडियो लेक्चर, ये टोटली आपके सिलेबस पर बेस्ड है, आपके कंपटीशन के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके एकेडमिक के लिए है। तो इसको आपको अच्छे से सुनना है, फिर इसका नोट बनाना है, और फिर इसके क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करने के साथ साथ इसकी प्रिपरेशन करनी है, जिससे आप 10th में NTSC क्वालिफाई कर लो, 10th में आपका IGSO आएगा उसको क्वालिफाई करना है, और आपको स्कॉलरशिप लेना है। ओके, आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और फिर हमें कमेंट बॉक्स में और ग्रुप में बताना है कि आपको क्या फीडबैक रहा, कैसा हम आपको और क्लास बनाएं कि आपको और बेनिफिट आए। ओके।